उपराष्ट्रपति दुखी हुए, लेकिन किस बात से? राहुल गांधी ने उन्हें कैसा दुख दिया? मंच पर कैसा दुखड़ा सुनाया उपराष्ट्रपति ने? उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है, जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा, पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृत काल में हैं। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है, जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा, पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृत काल में हैं।